आज हम ये रोल बनाते हैं जिसके लिए हमें टोमेटो, हाफ अनियन एंड ग्रीन चिल्ली चाहिए। हम आज चेरी टोमेटो यूज़ कर रहे हैं, आप रेगुलर नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी मिर्च तीखी नहीं है, अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो नॉर्मल हरी मिर्च यूज़ करें। अनियन है, बारीक बारीक काट लें इसको। थोड़ा सा नमक, 2 to 3 pinch ब्लैक पेपर है इसमें। आप इसमें अपने हिसाब से सब्जी भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम वगैरह। दो अंडा लिया हमने, इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं और 2 tablespoon मिल्क डाल रहे हैं हम। अच्छे से मिक्स कर लें। चिकन है थोड़ा सा हमने छोटा छोटा काट लिया है। पैन में बटर रखें 2 tablespoon के आसपास, ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/8 teaspoon हमने गार्लिक डाला है, उसको अच्छे से फ्राई कर लें गार्लिक को, स्मेल ख़त्म हो जाएगी जिससे। ये देखिए बबल्स आने लगे हैं इसमें। अब इसमें अंडा डाल देते हैं जो हम लोगों ने मिक्स करके रखा था, इसको पका लेते हैं अच्छे से। फ्राई नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसे ब्राउन भी कर सकते हैं थोड़ा। ये देखें ऑलमोस्ट डन। एक बर्तन में निकाल लें आप इसे, 1 tablespoon ऑयल डालें और चिकन को इसमें फ्राई कर लें। 2 to 3 pinch सॉल्ट है, 2 to 3 pinch ब्लैक पेपर है, 1/8 teaspoon विनेगर है इसमें और 1/8 teaspoon गार्लिक पेस्ट है। विनेगर डालने से मीट जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, आसानी से गल जाएगा। आप यहाँ पे चाहें तो पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ढक के गलने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरे साइड हम सॉस बना लेते हैं। 2 tablespoon मेयोनीज लिया हमने, टोमेटो केचप है 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon स्वीट चिल्ली सॉस है, 1 teaspoon हमने हॉट चिल्ली सॉस लिया है। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रीन चिल्ली सॉस थोड़ा सा मिला दें। स्पाइसेस जो भी हैं आप अपने हिसाब से डाल लें, ज़्यादा या कम। ये सॉस तैयार हो गया। चलिए चिकन देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। देखिए पानी जब सूख जाए तो आप इसे देखिए, ये हो गए, गल गए कम्प्लीटली। इसलिए हम निकाल लेते हैं बाहर। इसी पैन में क्लीन करके आगे का प्रोसेस करते हैं। टर्टीला है ये, हल्का सा वॉर्म करना है इसको, पर चूल्हे पे डाल के बहुत हल्की आंच पे रखना है। रोटी सॉफ्ट होती है गर्म करने से।
हम टच कर सकते हैं, इसका मतलब ज़्यादा हॉट नहीं है। चलिए इसको असेंबल करते हैं। एक डाला, ये कंप्लीट ब्रेकफास्ट कह लें या शाम का के नाश्ते में भी आप इसे खा सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें और जो भी फीडबैक हो ज़रूर बताएं। इसको तवे पे भी कर सकते हैं आप, जैसा हम अभी कर रहे हैं। मोज़रेला चीज़ डाला हमने, हल्का सा ऑयल डालें इसमें पैन में, बहुत हल्की आंच पे इसको कुक करें। देखिए दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ेदार भी। जो हमने बनाया है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जो भी स्पाइसेस है वो सॉस के ज़रिए ही इसमें जा रहे हैं, क्योंकि ग्रीन चिली ने बताया तीखा नहीं था। चलिए बनाएं, एंजॉय करें, दुआ में याद रखा करें। देख, बाय।